आज के नाश्ते में, पूरे घर के नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच ऑयल लगेगा। यकीन मानिए, इतना टेस्टी बनेगा, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। आज का नाश्ता 3-in-1 नाश्ता है। इसमें ढोकले का भी मजा आएगा, इडली का भी मजा आएगा और थोड़ा सैंडविच का भी मजा आएगा। तो चलिए इस बढ़िया से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने एक कटोरी सूजी ली है, बारीक वाली, मोटी हो तो भी चलेगी, थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए। एक बर्तन में, एक कटोरे में हम इस सूजी को डाल देते हैं और हम इसमें आधे कप से भी कम या ज़्यादा, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितना भी आपके पास दही हो, 4-5 चम्मच हो तो भी डाल दीजिए, और अगर दही नहीं है तो नॉर्मल पानी में थोड़ा नींबू डालकर डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने दही पूरा आधा कप डाल दी है, पतली गाढ़ी जो भी है आप यूज़ कीजिए। सूजी का घोल बनाने के लिए बाकी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है नॉर्मल पानी। टोटल मैंने एक कप सूजी में आधा कप दही, आधा कप पानी डालकर एक घोल बना लिया है गाढ़ा सा। इसे हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। चैनल पर अगर नए आए हैं, अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री में हमें हर चीज़ को लेना चाहिए। सब्सक्राइब करना टोटल फ्री है। अब चलते हैं थोड़ा सा सैंडविच की तैयारी करने। जैसी च्वाइस है आपकी, प्याज खाते हो तो प्याज लीजिए, थोड़ा सा आप आलू ले लीजिए, थोड़ा टमाटर ले लीजिए, या फिर हरी मिर्च ले लीजिए, गाजर ले सकते हो, शिमला मिर्च ले सकते हो। जैसे सैंडविचेस में हम लोग कई चीज़ें ये यूज़ करते हैं ना, बस वही हमें लेनी है। छोटे पीस, बड़े पीस, ग्राइंड किया हुआ, सब चीज़ आप ले सकते हो अपनी मनपसंद। पनीर होता तो आप पनीर भी यूज़ कर सकते थे, मेरे पास आज पनीर नहीं था। टमाटर अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसके सीड्स हटा दीजिए और बाकी जो मोटी स्किन होती है उसे आप यूज़ कीजिए बारीक चॉप करके। इस तरीके से मैंने टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है। अब एक बर्तन ले रहे हैं जिसमें प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हरे धनिए को, बारीक कटा हुआ जो हरा धनिया है इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो और भी कई मसाले डाल सकते हो या फिर सिंपल रखना चाहो, ये चॉइस आपकी है। एक नया टेस्ट अगर आपको चाहिए तो इसमें एक चम्मच नारियल का बुरादा, डेसिक्रेटेड कोकोनट हमारे घर में होता है, ताज़ा नारियल भी डाल सकते हो इसमें डालकर। आप ज़रूर देखिए, आपको जो चेंज मिलेगा बहुत ही गजब टेस्ट आएगा आपको। ये मैंने डाल के एक तरफ रख दिया। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड हो, सूखी ब्रेड हो, कई बार लेफ्ट ओवर ब्रेड के पीस होते हैं, ये चॉइस आपकी है। आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्रेड के गोल गोल पीसेस निकालने हैं। अगर आप किसी चौकोर शेप की कटोरी में बना रहे हो या तश्तरी में बना रहे हो, उस हिसाब से आप बड़े पीस, छोटे पीस आप कट कर सकते हो। आगे जाके आप समझ जाओगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही थी। यहाँ मैंने गोल गोल पीसेस निकाल दिए हैं 6-7, और उसके बाद जो ये साइड के कॉर्नर्स और ये ब्रेड काफ़ी सारा वेस्ट हो रहा है, इसका मैं बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगी एक आध दिन बाद। यहाँ मैंने एक स्टीमर रखना है। स्टीमर में अक्सर आपको पता है मैं नींबू के छिलके डाल देती हूँ जिससे हमारा स्टीमर ख़राब ना हो। अब हमारे पास 3 तैयारी हैं, एक सैंडविच की तैयारी है, एक इडली की तैयारी है, और अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पानी डालना है क्योंकि सूजी फूल चुकी है, थोड़ा सा मुझे गाढ़ा मिश्रण लग रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा मुझे लिक्विड ही चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी मैंने परफेक्ट कर ली है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप वीडियो को बिना स्किप करके जब देखेंगे तो पूरी रेसिपी को समझ पाएंगे। एक इनो का सैशे लिया है और आधे पार्ट में मैंने आधा इनो का सैशे डाल दिया है, पूरा नहीं डालना है, आधा डालना है। और साइड से मैंने एक और भी तैयारी कर ली थी स्टीमर रखने के बाद, जो कि अभी मैं आपको बता रही हूँ। ये यहाँ पर मैंने मसालेदानी की जो कटोरियाँ होती हैं ना वो यूज़ की हैं, उन्हें मैंने थोड़ा ऑयल भी लगा लिया है। यहाँ पर मैंने एक जाली रखी है, ज़रूरी नहीं है आपके पास ये इडली मेकर ना हो तो कोई भी कढ़ाई, पतीला, कुछ भी ले सकते हो जिसमें आप स्टीम दे सको। यहाँ मैंने 7 कटोरियाँ ली हैं जो मसालेदानी होती हैं, इसीलिए मैं आपको ब्रेड कह रही थी कि कितनी ब्रेड कैसी किस शेप में काटनी है ये डिपेंड करता है आप किस में बनाने जा रहे हो। ये देखिए, 7 कटोरियों में मैंने एक एक करछी इस मिश्रण का डाल दिया है। अब फटाफट से बिना देर किए इसे 2 मिनट के लिए हम स्टीम देते हैं। जब पानी अच्छे से उबले
और स्टीमर अच्छा सा गर्म हो जाए तभी आप इनो डालें, जिससे आपको ज़्यादा टाइम रखना ना पड़े, आपको बढ़िया परफेक्ट रिजल्ट मिले। अब इसे कवर कर लीजिए। अब यहाँ जब तक हम कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ मैंने ब्रेड लिए, मैंने बताया था ना कि आपको सैंडविच का भी मज़ा मिलेगा, तो हर ब्रेड के ऊपर आप हरी चटनी को लगा लीजिए। हरी चटनी वही जो हम अक्सर घर में बनाते हैं, वही चटनी। ये जब आप खाएंगे ना, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। सारे साथ के साथ पीस लिए जिस पर मैंने हरी चटनी लगाई है, और 2 मिनट बाद हमें उल्टा करके इसी कटोरियों में डालते जाना है। कुछ चेक वगैरह नहीं करना है, बस 2 मिनट काफ़ी होते हैं। अब जो उल्टा वाला पार्ट है, वाइट पार्ट है ना ब्रेड का, उसके ऊपर आप टमेटो केचप लगा लीजिए, तभी तो सैंडविच का मज़ा आपको आएगा। यस, इसी तरीके से अब आपको वो मिश्रण डालना है जो आपने सैंडविच के लिए तैयार करके रखा हुआ है। आप इसमें स्प्राउट्स, उबले चने, राजमा उबले, छोले उबले, जो भी आपको पसंद है या घर में जो है, बची हुई सब्जी का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तब भी इस नाश्ते को खा सकते हैं। अपने हिसाब से इसमें वेजिटेबल्स को चेंज कर सकते हैं, ब्रेड को चेंज कर सकते हैं। ये सारा मिश्रण डालने के बाद आपको क्या करना है, जो बचा हुआ इडली का मिश्रण है उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से इनो बचा हुआ डालकर अब आपको इसके ऊपर कवर करना है। अब डिपेंड करता है, जैसे मैंने एक कटोरी ली है ना, तो ये मेरे पास जो 7 कटोरियाँ बन पाई हैं। आप अगर बड़ी छोटी कर रहे हो तो उस हिसाब से सूजी के मिश्रण को कम ज़्यादा कर सकते हो। अब आप बचे हुए मिश्रण को इस तरीके से ऊपर से डालते जाइए और वापस से इसे पैक कीजिए। अब यहाँ पर 10 नहीं कम से कम 12 मिनट के लिए इसे स्टीम दीजिए, फुल गैस पर स्टीम दीजिए। और एक और बात, यहाँ पर ना आप टूथपिक लगा के अब जरूर चेक कीजिए, क्योंकि ना अभी अगर ऊपर अगर आपका पक गया है तो नीचे तो ऑब्वियस सी बात है पका ही होगा। अब आप क्या करेंगे, जब ये बन जाए तो 2-3 मिनट गैस बंद करके 2-3 मिनट इसी वहीं ढक के रहने दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे सारी कटोरियों को निकाल लीजिए। आप यहाँ देखिए, छोटी सी ट्रिक है, आप भी इसी तरीके से किया कीजिए। जब भी कढ़ाई, भगोना या स्टीमर रखते हो, नींबू का छिलका डाल दीजिए, जिससे आपका स्टीमर या जो भी है, ज़्यादा पकने से, पानी उबलने से जो खारे पानी के निशान आ जाते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। चलिए अब थोड़ा सा वेट करते हैं, 5-7 मिनट से बहुत ज़्यादा गर्म है, उसके बाद हम इन्हें डीमोल्ड करेंगे। अभी डीमोल्ड करने के बाद भी नाश्ते की रेसिपी का जो अंत है, एंड है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मज़ा हमें ढोकले जैसा भी चाहिए, तो इसलिए ना अभी आप इसे डीमोल्ड कीजिए। और बहुत ही स्पॉन्जी बने, आराम से निकल जा रहे हैं, मतलब इतना मज़ा आएगा ना इस नाश्ते को, जितना बनाओगे उतना कम पड़ता जाएगा। ये जो एयर पॉकेट्स आपको दिख रहे हैं, इससे आपको समझ में आ रहा है ना कि ये कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। न साइट्रिक का झंझट है, न चीनी का झंझट है। कई लोग साइट्रिक और चीनी की वजह से ढोकले में दिक्कत होती है उनको, तो ये दोनों चीज़ें हमने यूज़ नहीं की है। अब यहाँ पर ढोकले के लिए थोड़ा टेस्ट आए तो उसके लिए हम थोड़ा सा तड़का देने वाले हैं। मैंने एक छोटा सा पैन लिया है जिसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल, अभी तक मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया था, अभी 1 चम्मच ऑयल लिया है, थोड़ी सी राई, और मुझे डालना है जीरा। आज चांस वाली बात है, मेरे पास राई के दाने ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने थोड़े से काले तिल डाल दिए हैं। हरी मिर्चों को लंबा काट करके डाल दिया है, और थोड़े से करी लीव्स डाल दिए हैं। इन सबको हमें पकाना है। थोड़ा पकने के बाद हम इसमें डालेंगे करीब 1/2 कप पानी, 1 कप भी डाल सकते हो, वैसे 1/2 कप काफ़ी है, 1/2 कप डाल दीजिए। और अब डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, अगर है तो आपके पास थोड़े चीनी के दाने, और बहुत थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो चीनी भी यहाँ पर स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर डालेंगे तो आपको ढोकले का, इडली का, सैंडविच का, सभी का मज़ा एक ही में आ जाएगा। जो भी आपके यहाँ ये नाश्ता खाएगा ना, तो वो भूलेगा ही नहीं, हमेशा उसे याद रहेगा कि वहाँ का नाश्ता बहुत बढ़िया था। इतना सिंपल नाश्ता, बहुत ही टेस्टी नाश्ता, बहुत ही फटाफट बनने वाला नाश्ता है, तो इसे आप इसी तरीके से बनाइए। गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की। आज चांस वाली बात है, मेरे पास चेरी टमाटर थे, तो मैंने इसे हाफ हाफ कट करके अट्रैक्ट करने के लिए इसे रख दिया है। वैसे चेरी टमाटर का कोई रोल नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, तब भी बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, ये नाश्ता बनकर तैयार है। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, तभी तो मेरा उत्साह बढ़ता है। और हाँ, आया ही होगा तो इसे शेयर जल्दी कीजिए फटाफट फ्रेंड्स और फैमिली को। मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, तिरंगा सा नाश्ता, बहुत ही अमेजिंग,
टेस्टी बनकर तैयार है। मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कैसा लगा आपको ये नाश्ता। ये नाश्ता मुझे पता है आपको पसंद जरूर आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।